बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स जैसे स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स की सक्सेस स्टोरीज तो आपने सुनी ही होंगी, लेकिन आज जो सक्सेस स्टोरी आप यहाँ देखेंगे वो मैं बोलूँगा उससे भी कहीं ज़्यादा अनोखी है। वो इसलिए क्योंकि आज की जो कहानी है वो एक ऐसे अद्भुत इंसान की जो कि बचपन से ही नेत्रहीन है, लेकिन आज अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर एक करोड़ों की कंपनी के मालिक हैं। ये कहानी है श्रीकांत बोला की। श्रीकांत एक 28 साल के एंटरप्रेन्योर हैं जो बचपन से ही नेत्रहीन है। सोचिए, हम थोड़ी देर लाइट चले जाने पर ही अक्सर कितने बेचैन हो जाते हैं, लेकिन श्रीकांत को तो कभी आंखों की रोशनी नसीब ही नहीं हुई। उसके बावजूद उन्होंने जो कर दिखाया और अपने बलबूते पर आज जहां हैं वो बिल्कुल ही अद्भुत है। श्रीकांत का जन्म आंध्र प्रदेश के एक शहर मछलीपट्टनम में हुआ। जब वो पैदा हुए तब लोगों ने उनके परिवार को, जो कि काफ़ी गरीब थे और खेती करके अपनी जीविका चलाते थे, श्रीकांत को मार देने की सलाह दी। लेकिन किस्मत से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। काफ़ी गरीब होने के बावजूद श्रीकांत के माता पिता ने उन्हें बड़े प्यार से पाला। काफ़ी परेशानियों से जूझते हुए वो बड़े हुए और उन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन पास किया, लेकिन 10वीं की परीक्षा में 90% से ऊपर अंक लाने के बावजूद उन्हें 12वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम लेने की अनुमति नहीं दी गई। तब उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ मुकदमा चलाया और 6 महीने तक लड़े और आखिरकार केस जीत गए। आगे जाकर उन्होंने 12वीं में 98% अंक हासिल किए, लेकिन उनकी परेशानियों का सिलसिला चलता रहा और उन्हें किसी भी IIT या NIT कोचिंग में दाखिला नहीं दिया गया क्योंकि वो नेत्रहीन है। तब उन्होंने विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और आखिरकार उन्हें दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी MIT ने चुना, जहां वो पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन छात्र बने। वहां उन्होंने बहुत अच्छा किया और कोर्स पूरा हो जाने के बाद अमेरिका में उन्हें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी दी गई, लेकिन वो इंडिया में रहकर कुछ इनोवेटिव करना चाहते थे और इसलिए अमेरिका से लौटने के बाद 2011 में उन्होंने समन्वय सेंटर की स्थापना की, जहां उन्होंने विकलांग छात्रों के लिए एक ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस शुरू की ताकि वो पढ़ सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। और 2012 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बोलेंट इंडस्ट्रीज शुरू की, जहां उन्होंने सैकड़ों विकलांग लोगों को रोजगार दिया। 2018 में बोलेंट इंडस्ट्रीज का 150 करोड़ का कारोबार था, जिसमें रतन टाटा ने भी निवेश किया। 2017 में बोला का नाम प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन के एशिया भर के अंडर 30 में आया। उस सूची में केवल 3 ही भारतीय थे, जिनमें से एक बोला थे। बोला की जिंदगी हम सबके लिए एक अद्भुत मिसाल है और हमें ये सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी परेशानी में हो, अगर वो हिम्मत से काम ले और मेहनत और लगन ना छोड़े तो क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक आम आदमी अक्सर सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है और हिम्मत और उम्मीद छोड़ देता है। इसलिए जो बोला ने नेत्रहीन होते हुए किया है वो और भी ज़्यादा असाधारण और अद्भुत है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।